जहरीली शराब से हुई मौतों के चलते हर पार्टी के राजनीतिक नेता पीड़ित परिवारों से दुख साझा करने के लिए मृतकों के घर तक पहुंच रहे हैं। इसके चलते भाजपा के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और भाजपा के राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक मृतकों के परिवारों से मिलने पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता उन्हां परिवारां दे अंदर साडा सब दा जाना होया, श्वेत जी दा, मेरा, जीवन जी दा, जिला अध्यक्ष जी दा, जिन्हां ने पिछली दिनी जहरीली शराब दे नाल अपनी जान खोई है। और उन्हां परिवारां च जाके इतना मन दुखी होया, इतना व्यथित होया कि यार सरकारां इदां दी हुंदियां। 120 दे करीब करीब जहरीली शराब दे नाल जी जिहड़े अपनी जान खो देन, लेकिन पंजाब दी सरकार कैप्टन सरकार दे कन्न ते जू ना रेंगे। और इस सरकार दे अंदर नैतिकता नां दी कोई चीज़ नहीं बची हुई। मैं अज भी कहना कैप्टन साहब, अगर तुहाडे च थोड़ी जी नैतिकता हैगी है ते तुहानू अपने पद ते बने रहन दा अधिकार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार दा सरकार दा एटीट्यूड लग रहा इस इंसीडेंट तो बाद, इन्हां मौतां तो बाद, वो होर भी व्यथित करने वाला, होर भी दुख देने वाला। सरकार पुलिस के मुलाजम 4-5 सस्पेंड करके ना इस दे उत्ते मिट्टी पाना चाहती है। लाशां ते राजनीति करना बंद करो। अज भी जागो सरकार, जागो सरकार। हुण इस करके भी जागो कि तुहाडे उत्ते ना पंजाबियों का विश्वास है, ना पंजाब की जनता का विश्वास है, तुहाडी पार्टी के वड्डे वड्डे नेताओं का भी विश्वास है नहीं तुहाडे ते। उन्होंने भी लगता है कि इस सरकार कोलों न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता, दोषियों तक नहीं पुजा जा सकता, जिन्हां दे छत्र छाया दे अंदर एक गल समझ लेना, नशा बेचन वाला, नशा बिकवान वाला और उन्होंने शेल्टर देने वाला सब बराबर दे दोषी ने। मैं तो कहांगा मौतां नहीं हुई, 120 कतल ये सरकार ने करवाए है। और इस सरकार नू जगाना पंजाबियों दी, और अही देखते नहीं रह सकते। पंजाब दी जवानी नू बचाने लई, पंजाबियों नू बचाने लई, पंजाब नू नशा मुक्त करने लई भारतीय जनता पार्टी ने अंदोलन शुरू किया। अज साडा महिला मोर्चा ने अंदोलन किया, कल साडा युवा मोर्चा कर रहा, और बड़े नेता जिहड़े है वह भी ये अंदर शामिल हो रहे हुए, मंत्री रहे हुए लोग। अपनी सरकार नू नहीं कह रहे कि CBI इनकुआरी कराओ, वो राज्यपाल दे दरवाजे ते जा रहे ने, क्योंकि वह भी समझते हैं कि कैप्टन की सरकार को इंसाफ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? कि उस सरकार दे बहुत सारे MLA मंत्री और प्रशासन दे हाथ इस कांड दे अंदर शामिल ने, और उन्होंने कोरोना की इस महामारी नू एक अवसर समझिया, एक मौका समझिया भ्रष्टाचार करन दा, और शराब माफिया दी नू जिस तरीके नाल पनपन दिता वो बिना सरकार दे नहीं हो सकता। इस करके ये सरकार जानी चाहिए है। असी भी उपर गल की है कि CBI इनकुआरी होए, अभी गृह राज्य मंत्री जी नाल कल साढ़े कोर ग्रुप की गलबात हुई है, उहदे च श्वेत मलिक जी भी सी, पार्टी के होर वड्डे नेता सी, पार्टी के जनरल सैकटरी साढ़े जीवन गुप्ता जी और बाकी सब लोगों ने, असी उन्होंने कहा कि साडा और पंजाबियों का और ईवन कांग्रेस के नेतावान का भी अपनी सरकार से विश्वास नहीं है। लोगों को न्याय मिले। ये मौतां जिहड़ियां होईयां, ये मौत नहीं, ये सरकारी कतल है। इहदा इंसाफ उन्हां परिवारां नूं मिले। इहदे लई BJP जद्दोजहद करदी रही।